नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका ही अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, आपको पता है कि हरियाणा सरकार आपको जो आपकी फसल खराब हुई है यानी खराब फसल नुकसान का जो मुआवजा है वो आपको देने वाली है। किसान भाइयों, जो खरीफ की फसल है ये जो मुआवजा है उसका आने वाला है, उसका कंपनसेशन आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों, जिस भी किसान की खरीफ की फसल, खरीफ 2021 की फसल ज़्यादा बारिश के कारण, जल भराव के कारण जो खराब हो गई थी, उस किसान को यह मुआवजा मिलने वाला है। कुछ किसानों के मन में डाउट था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी कि भाई ये जो बीमा है ये किस किस जिले में आने वाला है, यानी किस किस जिले में कितना बीमा आने वाला है, जो पैसे हैं वो ऑनलाइन आएंगे या फिर ऑफलाइन आएंगे। तो चलिए आपको पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। किसान भाई, यहाँ पर आप जो पूरी अपडेट है वो देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एक न्यूज़ दिखा, जो एक प्रिंट है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाइयों, चलिए आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस जिले में कितने पैसे आए हैं। एक बार आप इस न्यूज़ को यहाँ पर पूरी पढ़ सकते हैं, इसके बाद यहाँ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इस हर जिले के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैसे हैं वो ऑनलाइन कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए ऑनलाइन राशि ट्रांसफ़र करने के निर्देश, यानी जो पैसे हैं वो ऑनलाइन भेजने के यहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश दिए गए हैं। ये जो पैसे हैं वो किसानों के खातों में ही जाएंगे, सीधे ऑनलाइन यह पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जिस किसान को मुआवजा मिलने वाला है उसके खाते में यह पैसे जाएंगे। किस जिले में कितने पैसे आए, इस न्यूज़लेटर के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर जो आप देख सकते हैं, हिसार जिले में जो पैसे आए हैं वो 172 करोड़ 32 लाख यहां पर जो पैसे हैं वो डाले गए हैं। इसके बाद किसान भाई, यहां पर आप देख सकते हैं, जब बियावनी जिले की बात करते हैं तो 127 करोड़ और 2 लाख रुपए यहाँ पर डाले गए हैं। इसके बाद फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो पैसे आए हैं वो 95 करोड़ और 29 लाख रुपए यहाँ पर डाले गए हैं। इसके बाद सिरसा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो सिरसा जिले में पैसे आए हैं वो यहाँ पर आए हैं 72 करोड़ 86 लाख पैसे डाले गए हैं। इसके बाद चरखी दादरी की बात हो तो यहाँ पर 45 करोड़ 24 लाख रुपए आए हैं। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 24 करोड़ 51 लाख रुपए डाले गए हैं। इसके बाद सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ पर 12 करोड़ 26 लाख जो पैसे हैं वो आने वाले हैं यहाँ पर जो किसान भाइयों। इसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों की, जो रोहतक जिले की बात अगर करते हैं तो रोहतक जिले में 10 करोड़ 45 लाख इसके बाद अगर पलवल जिले की बात करते हैं तो 58 करोड़ 58 लाख किसान भाइयों, करोड़ नहीं, यहाँ पर जो पलवल में है वो 58 लाख 28 हज़ार रुपये यहाँ पर डाले गए हैं। इसके बाद अगर हम नूह जिले की बात करें तो नूह में जो पैसे आए हैं वो आए हैं 52 लाख 5 हज़ार रुपये। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल जो जिला है उसमें जो पैसे डाले गए हैं वो पैसे हैं 3 लाख 78 हज़ार। इसके बाद गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जो जिला है उसमें सबसे कम नुकसान यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर केवल 10 हज़ार रुपये जो आने वाले हैं, तो सबसे कम गुरुग्राम में आने वाले हैं। और अगर सबसे फालतू की बात करें तो यहाँ पर हिसार में आने वाले हैं 172 करोड़ और 32 लाख रुपये। तो दोस्तों, ये जो है ना जिले के अनुसार जो आप देख रहे हैं ये मुआवजा हरियाणा सरकार देने वाली है। इसकी जो शुरुआत है वो 17 तारीख को कर दी गई है, यानी परसों पैसे डालने की शुरुआत कर दी गई है। और जो अंतिम तिथि बताई गई है वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 28 फरवरी किसान भाइयों यहाँ पर बताई गई है, यानी टोटल 11 दिन में जो पैसे हैं वो डाल दिए जाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आप बात करें कि कितने कुल किसानों के कितने पैसे आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मैंने बता दिया है 12 जिलों में ये पैसे आने वाले हैं। और अगर टोटल पैसे की बात करें, पैसे किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 561 करोड़ 11 लाख 57 हज़ार 44 रुपए यहाँ पर आने वाले हैं। अगर फिर यहाँ पर हम कुल जो किसानों की संख्या बात करें तो 8,95,712 किसानों को जो फसल का मुआवजा मिलने वाला है। तो किसान भाई, यहाँ पर जो आप पूरी अपडेट इसे भी आप पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी अपडेट है वो यहाँ पर आप इसे भी आप पूरी पढ़ सकते हैं। तो किसान भाई, ये जो पूरी अपडेट वो यह थी, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे भी इससे अधिक कोई जानकारी और भी प्राप्त होती है तो आपको मैं जरूर बताने की पूरी कोशिश करूँ।
लगभग किसान भाइयों जितनी मुझे फिलहाल पता थी वो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, और भी मुझे कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है तो हर जानकारी मैं आपके साथ इस मुआवजे से संबंधित शेयर करना अच्छा समझूंगा, ताकि आपको भी पता चल सके और आपके मन में जो शंका है वो आपकी दूर हो सके। तो किसान भाइयों इस प्रकार जो आप अपडेट देख सकते हैं यह थी मुआवजे से संबंधित पूरी अपडेट, और ये जो पैसे आने वाले हैं वो आपको भी पता है, यानी जब आपने बाजरा जो आपका धान था या फिर जो और फसल आपने मूंग की फसल ये जो फसल बो रखी थी उन्हें ये पैसे मिलने वाले, यानी इन फसलों से अलावा भी आपने अगर कोई फसल बोई थी और उसमें खराबी हुई थी, आपका जो यहाँ पर आपकी गिरदावरी की गई थी और गिरदावरी में आपको पता भी होगा कि अगर आपकी फसल का वहां पर नुकसान दर्शाया गया है जिलों में ही यहां पर आप देख सकते हैं मुआवजे के पैसे आने वाले हैं। इन जिलों में गिरदावरी हुई है और इन जिलों में ही जो फसल नुकसान हुआ है, तो इन जिलों में अगर बात करें तो यह पैसे डाले जाने वाले हैं। तो आपने जो पूरी जानकारी देख ली है, तो किसान भाई जो मैंने अपडेट दी है वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। किसान भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे जितना पता होगा मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाना, वीडियो पसंद क्यों नहीं आई और वीडियो पसंद क्यों आई ये भी जरूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो धन्यवाद किसान भाई, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान भाइयों।